This story is fictitious from our team side. We believe that every religion is equal. We don't have intention to hurt any religion. We hope that our viewers will like this concept. If there is any mistake from our team, we apologize for it and request you all to please forgive us. अरे आज फिर से, और वो भी किसी अलग धर्म के लिबास में। अरे आज भी, आज तो इससे पूछ ही लेता हूँ। भाई साहब आपसे एक बात पूछना था। हाँ पूछिए। मैं कुछ दिनों से आपको देख रहा हूँ, आप रोज रोज अलग अलग, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मुझे पता था आप यही पूछेंगे। वो ऊपर वाला है ना, वो तो एक ही है, बस उसके रूप अलग है जो हम लोग मानते हैं। मैं रोज आता हूँ यहाँ अलग अलग धर्म के मालिकों से एक सवाल करने। क्या पता किस धर्म का मालिक मेरा सवाल सुन ले। सवाल? कैसा सवाल? कि जिसने इस दुनिया में इंसानों को बनाया, आखिर इंसानों ने इस दुनिया को ऐसा क्यों बना दिया? कहाँ गई इंसानों की इंसानियत? क्यों, ऐसा क्या हो गया इस दुनिया में? आप खुद देख लो। इंसानों ने अपने मस्ती के लिए एक हाथी को विस्फोटक पदार्थ खाने को दे दिया, और हाथी ने विश्वास भी कर लिया, और माँ बच्चे दोनों इस दुनिया को छोड़ चले। क्या यह इंसानियत है? एक 5 साल की बच्ची को एक 70 साल का आदमी रेप कर देता है, एक बेटी अपनी बाप की हवस की शिकार हो जाती है, तो कहीं पुलिस स्टेशन में रेप हो जाती है। सबको इंसाफ देने के लिए बना हुआ कानून से भी खुद को बचाना मुश्किल हो गया है। कहाँ गई इंसानियत? बड़े बड़े कामयाब देशों में कभी गोरा तो कभी काला रंग पे भी भेदभाव होता है। क्या वैसे देश में सबको समान जीने का हक नहीं है? कहाँ गई इंसानियत? कभी अलग अलग जात धर्म को लेकर बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं, कितनों की घर उजड़ जाती है, कितने इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। आखिर कहाँ गई इंसानियत? एसिड अटैक, अमीर और गरीबी, छोटे और बड़े में भेदभाव, ऐसे बहुत सारे इंसानों के करतूतें हैं जो बता नहीं सकते। सच कहूं तो इंसान दिखते हैं मगर इंसानियत नहीं। मैं आपके बात से सहमत हूं, पर ये जो आप बाहर आके कर रहे हैं, ये तो आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या उनके किसी भी गिरजाघरों में जाके कर सकते हैं ना। मैं नहीं मानता हूं कि जिसने ये दुनिया बनाई है, क्या वो इंसानों के बनाए हुए घर में रहता होगा? I'm
मैंने